दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चाचा परोपकारी लाल और जासूस तुकाराम। ये कॉमेडी कॉमिक्स है तो पढ़ते हैं इसको। जासूस तुकाराम। हमेशा की तरह तुकाराम आज भी अपने कॉलेज की किताबों में जासूसी उपन्यास रखकर पढ़ रहा है। वह क्या लाजवाब कहानी है। कब्रिस्तान में लगे पीपल के पेड़ पर दो काले नकाबपोश बैठे हैं। तभी तुकाराम और तुकाराम और परोपकारी भैया आ गए। मैं जल्दी से यह उपन्यास छुपा दूं। दूसरे कमरे में यह छाता मुझे पार्क में पड़ा हुआ मिला था। मेरे ख्याल से यह पोपटलाल जी का है। आप चिंता न कीजिए भैया, आपका यह जासूस भाई पता लगाकर ही दम देगा कि यह छाता किसका है। जाजा हमेशा डींगे ना हकाकर, यहाँ तेरा तुक्का नहीं चलेगा। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में इतना बड़ा जासूस बैठा है लेकिन उसी कोई कदर नहीं। अच्छा आप जाओ जल्दी से छाते का असली मालिक खोज बाहर आकर। अब आप लोग सांसें बंद करके मेरा जासूसी कारनामा देखिए। जरा गौर से देखेगा कि एक जासूस किस तरह अपने अकल के घोड़े दौड़ दौड़ाकर कामयाब होता है। तो अब सवाल उठता है कि यह छाता किसका हो सकता है। हाँ याद आया, कल ही मिसेज कपूर ने इसके डिजाइन की वाली साड़ी पहनी थी। तो समझिए कि यह बात पक्की हो गई कि यह छाता मिसेज कपूर का ही है, क्योंकि यह लेडी छाता और मिसेज कपूर को छाता लेकर चलने की आदत है। तो देखा आपने कैसे चलता है एक सुपर जासूस का दिमाग। अब मैं इसे फटाफट मिसेज कपूर को दे आऊं। जब मैं मिसेज कपूर को यह छाता दूंगा, अपना पर्स व घड़ी, तभी अचानक ओह यह क्या छूटना। अब बोल मुझे चाकू दिखाकर लूटना चाहता था। हाय भीम, यह रहा तुम्हारा इनाम। हे, इसकी क्या जरूरत थी। हाय मेरी नाक तोड़ दी। ही, देखा आपने, एक काबिल जासूस का दिमाग सिर्फ एक ही केस को हल करने में नहीं लगा रहता, वह कई समस्या को हल करता हुआ आगे बढ़ता है। मिसेज कपूर के घर पहुंचकर, नहीं यह छाता मेरा नहीं है। नहीं तो इसका मतलब मेरी जासूसी फेल हो गई। बाहर आकर, एक सफल जासूस हार नहीं मानता है। मेरे ख्याल से यह छाता मिसेज वर्मा का भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की विदेशी वस्तुओं का बड़ा शौक है। अब मैं मिसेज वर्मा के यहाँ चलूँ। मैं इस पत्थर से शोकेस का कांच तोड़ दूँ और लपक कर सारे जेवर समेट लूँ। लेकिन ओह फिर वही लुटेरा अटकना। ओह हाय मैं मर गया। शहबाज तुकाराम तुमने तो कमाल कर दिया। आओ पुलिस स्टेशन से अपना इनाम ले लो। जरूर जरूर। इनाम लेने के बाद अब मैं फिर से इस छाते के मालिक को खोजूं। तभी अरे अच्छा था तो मेरी बीवी का है, भला यह लड़का इसे लेकर क्यों दौड़ रहा है। जरूर मेरे घर से चुरा कर भाग रहा होगा। चोर बदमाश लुटेरे हमारा छाता चुरा कर भागता है। तो यह छाता आपका अंकल। अच्छा पकड़े गए तो अंकल बना लिया। अभी तेरे हड्डी पसली एक करता हूँ बदमाश। थोड़ी देर बाद हाय कमबख्त ने मेरा बुरा हाल कर दिया, मर गया। तो देखा आपने हमारे यहाँ जासूसों की यह कदर होती है। गुर सिगरेट का चक्कर। क्यों भाभी आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ। क्या बोले भाई साहब, वो हमारा पति है ना बनर्जी बाबू, उसे सिगरेट पीने की बहुत खराब आदत है। कल एक डॉक्टर आया था, उसने बोला अगर बनर्जी सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो उसके फेफड़े सड़ जाएंगे। ओए हो यह तो बहुत बुरी बात है, आप घबराइए मत भाभी जी, मैं बनर्जी बाबू को अपने ढंग से समझाऊंगा। आपका बहुत मेहरबानी होगा भाई साहब, अब तो हमारा पति का जिंदगी आपके हाथ में है। अगले दिन सुबह इस वक्त बनर्जी पार्क में जाता है, यही ठीक समय उसे समझाने का। पार्क में रेत दीवार के उस तरफ से यह खांसने की आवाजें कैसी आ रही हैं। खो खो, ओ यह तो अपने बनर्जी बाबू हैं। खो खो, क्या बात है बाबू मौसा, यह सुबह सुबह सिगरेट का शौक कैसे चढ़ गया। क्या बताऊं दोस्त, यह शौक मुझसे कभी नहीं छूटेगा। छूटेगा कैसे नहीं, बस थोड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है। अच्छा यह बताओ तुम अपने घर में सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हो। अपनी छोटी बेटी तितली को। तो उसके अच्छे भविष्य के लिए खाओ अपनी बेटी की कसम कि तुम सिगरेट से हमेशा दूर रहोगे। मैं हाँ हाँ खाओ कसम कि तुम सिगरेट से हमेशा दूर रहोगे। मैं तितली की कसम खाता हूं कि मैं सिगरेट से दूर रहूंगा।
वाह, अगले दिन पार्क में, ओ बाबू मशाई, तुमने इतनी जल्दी कसम तोड़ दी। मैंने कोई कसम नहीं तोड़ा है। तुम हमको सिगरेट से दूर रहने को बोला, सो देखो हम इस समय सिगरेट से कितना दूर हैं। प्यार का व्यापार। अंकल मैं बड़ी मिन्नत करके आपसे खास बात करने आया हूँ। हाँ बोलो राकेश। अंकल मुझे शर्म आती है। शर्माओ मत राकेश, मुझे साफ साफ अपने दिल दिल की बात बताओ। वो अंकल, वह आपके मोहल्ले के शर्मा जी हैं ना, मैं उनकी बेटी शालू से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात बताने में शर्मा रहे थे। अंकल अब आप ही बताइए, मैं शादी की बात किस तरह शुरू करूँ। तुम सीधे जाकर शर्मा जी से बात कर लो। नहीं अंकल, मुझे उनसे डर लगता है। शर्मा जी से डरने की कोई बात नहीं है। हाँ अगर उनसे शादी की बात के साथ साथ अपनी अमीरी का रोब मार दो तो वे जरूर प्रभावित हो जाएंगे। शर्मा जी पैसों के मामले में खूब लालची हैं। ठीक है, मैं भी जाकर उनको प्रभावित करता हूँ। श्याम को, क्यों बेटा राकेश बड़े उदास से दिख रहे हो, शर्मा जी ने शादी के विषय में क्या जवाब दिया? अंकल आपके प्लान के मुताबिक मैंने अपनी अमीरी का प्रभाव डालने के लिए उनसे कह दिया कि मैं सालू से हर हाल में शादी करना चाहता हूँ। इसके बदले वह मुझे चाहे तो मुझसे सालू के वजन के बराबर का सोना चांदी ले ले। तब तो उस लालची शर्मा ने जरूर हाँ कर दी होगी। हाँ तो कर दी, लेकिन कहने लगे कि सालू का वजन इस समय केवल 41 किलोग्राम है। जब 55 या 60 किलोग्राम की हो जाएगी तो वे अपनी बेटे की शादी मुझसे कर देंगे। मैं उस घड़ी को कोस रहा हूं जब मैं आपके पास सलाह लेने आया था। गुर्र, चमचम का कमाल, वह कितना मजेदार विज्ञापन दिया है चमचम साबुन वालों ने। की गल है प्रोपकारी लाल जी, किस विज्ञापन की तारीफ हो रही है? ओ बंतो भाभी, लीजिए यह पढ़िए, इस चमचम साबुन वालों की स्कीम। आप ही सुना दो, मैनू हिंदी पढ़नी न्यान दी। इसमें लिखा है यदि आप चमचम साबुन के 10 कूपन जमा करें तो एक रेडियो मुफ्त में मिलेगा, और अगर 20 कूपन जमा करें तो एक स्टीरियो सिस्टम मुफ्त मिलेगा। इसी तरह 50 कूपन पर एक फ्रिज, 75 कूपन पर एक रंगीन टीवी तथा 100 कूपन पर एक वीडियो कैसेट रिकॉर्डर मुफ्त मिलेगा। वाह वाह, यह तो बढ़िया स्कीम है, लेकिन यह कूपन कहाँ से मिलेंगे? यह कूपन चमचम साबुन की कुछ टिकियों में से निकलेंगे। अब आपको प्रत्येक साबुन को खोलकर देखना होगा कि उसमें कूपन है या नहीं। तय, मैं हूने ही बाजार जा रही हूँ चमचम साबुन लेन। 3 महीने बाद, काफी दिन हो गए जगतार सिंह से मिले, जरा हालचाल मालूम कराऊं। जगतार सिंह के घर, नमस्ते बंतो भाभी, आइए प्रोपकारी लाल जी, बड़े दिनों बाद आए तुसी। अरे वाह भाभी, आपके घर में तो रंगीन टीवी और वीडियो आ गया। ऐसे कुछ भी नहीं, इस कमरे विच आकर देखिए। दूसरे कमरे में, वाह वाह, स्टूडियो सिस्टम भी आ गया। आइए तीसरे कमरे विच कुछ और दिखावा। तीसरे कमरे में, भाई मजा आ गया, फ्रिज भी लग गया। क्यों भाभी, चौथा कमरा नहीं दिखाएंगी? वो तभी जगतार सिंह आ जाता है। गुर, आप प्रोपकारी लाल दी दुम, तेनू चौथा कमरा दिखावा। यह देख, चौथा कमरा चमचम साबुन से भरा हुआ है, और मेरी बीवी नु चमचम साबुन दी स्कीम तुम इन्हें बताई थी। मैं तेनू नहीं छोड़ांगा। गुर, हाय बचाओ, बुरे फंसे। प्रोपकारी लोल, जरा सुनो तो। अरे बना जी बाबू, कैसे हो तुम? आप भी भालो अच्छी। तुमसे अपनी कंपनी की एक बहुत जरूरी बात करना था। हाँ बोलो, क्या बात है? हमारा छगनलाल एंड कंपनी चाहता है कि शहर भर में एक सफाई अभियान चलाया जाए। उसके लिए कंपनी वाला चाहता है कोई नया आइडिया होना चाहिए जिससे लोगों का मन ध्यान सफाई का की तरफ जाए। वाह वाह, बड़ा नेक इरादा तुम्हारी कंपनी का। मेरे विचार से तुम लोग ऐसे पर्चे छपवा लो जिन पर जनता से शहर की सफाई की अपील की गई हो। उन पर्चों को तुम हवाई जहाज द्वारा पूरे शहर में फिंकवा देना। इस तरह शहर के ज्यादातर लोग उन पर्चों पर छपी अपील पढ़ सकेंगे। वाह परोपकारी लोग, तुम्हारा दिमाग का भी जवाब नहीं, क्या फैंटास्टिक आइडिया दिया है। 1 हफ्ते बाद ही जहाज द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में पर्चे फेंके जाते हैं। अगले दिन सुबह अखबार में समाचार,
छगनलैंड एंड कंपनी ने सफाई अभियान का जो तरीका अपनाया है वह सरासर बेहुदा है। शहर की सफाई होने की बजाय पर्चों से और ज्यादा गंदगी फैली है। जगह जगह पर कंपनी के पर्चे बिखरे पड़े हैं। छगनलैंड एंड कंपनी से अनुरोध है कि अपने आदमियों से शहर में बिखरे पर्चे उठवाकर शहर को साफ करे। प्रबंधक महानगर पालिका, ओ बाबा यह क्या गड़बड़ घोटाला हो गया रे। दफ्तर में, बनर्जी बाबू तुम्हें कंपनी का नाम डुबाने के जुर्म में कंपनी से निकाला जाता है। ओ बाबा। और फिर गुरु, हम तुमको नहीं छोड़ेगा, हमारा लाइफ चौपट कर दिया रे तूने। कार हो गई बेकार, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पापा मम्मी पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तुम स्टेशन से उनको टैक्सी पर लेकर आओ। ओहो नीरा, तुम समझती क्यों नहीं, आज टैक्सी वालों की हड़ताल है। हाँ, मेरे घर वाले आ रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें बहाने सूझ रहे हैं। यहाँ तो मामला काफी संगीन मालूम देता है, मैं अंदर चलकर नीरा को समझाता हूँ। अंदर, आइए अंकल, नमस्ते। कहो सुरेश, किस बात का झगड़ा हो रहा है? अंकल, आज नीरा के पापा मम्मी आ रहे हैं, यह चाहते हैं कि मैं उन्हें टैक्सी द्वारा स्टेशन से लेकर आऊं। बेटी, आज तो टैक्सी वालों की हड़ताल है। सच अंकल, देखा मैंने कहता था। लेकिन सुरेश, तुम चिंता न करो, मैं अभी जगतार सिंह की कार तुम्हें दिलवाता हूँ। यू आर ग्रेट अंकल, जगतार सिंह के घर। हाँ जी, ले आओ जी, तुम्हारी कार है, एलो चाबियां। सुरेश के जाने के बाद, यह सुरेश कार चलाते लेंदा है ना, आप चिंता न कीजिए, मैंने उसे कार दिलवाई है, सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। 1 घंटे बाद, अंकल यह रही कार की चाबियां। लेकिन पुत्र, यह कार का टायर कैसे पंचर हो गया? ओह क्या बताऊं अंकल, गलती से पहिया कांच की एक छोटी सी शीशी पर चढ़ गया था। तुमने कार देकर क्यों नहीं चलाई, क्या तुम्हें शीशी दिखाई नहीं दी थी? दिखाई कैसे देती अंकल, वह तो सड़क पर चल रहे एक बच्चे की जेब में थी। हाय बेड़ा गर्क हो गया, एक बच्चे नु कार दे नीचे दे आया। प्रोपकारी लाल, है सब तेरी मेहरबानी अदा नतीजा है। हाय कोई बचाओ, हाय अगर सही से वक्त पर यह घोड़ा वहां खड़ा न मिलता तो आज जगतार सिंह ने मेरा कीमा बना दिया देना था। बॉस बॉस, अरे बनर्जी बाबू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? प्रोपकारी लोल, हम तुमको धन्यवाद देने आया है, तुम्हारी वजह से हमको बहुत अच्छी नौकरी मिल गया है। धन्यवाद मेरा न्यू सुपर वाले को दो, यह सब उसी का कमाल है। अच्छा, अब तुम ये मिस्ट्री रखो, हम तैयार होकर दफ्तर जाता है। हे, इसकी क्या जरूरत थी दादा? कुछ दिनों बाद, अरे अपना बनर्जी बाबू यहाँ बड़ा परेशान सा खड़ा है। क्यों बाबू मोसाई, कुछ परेशान से दिखते हो? प्रोपकारी लोल, हम क्या बताएगा, हमारा बॉस हमको बहुत परेशान करता है। अरे तुम परेशान क्यों होते हो, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। बनर्जी बाबू, कल से देखना तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम कितना अच्छा है रे प्रोपकारी लोल, इस दुनिया में सीधे साधे इंसानों को आता जीना ही राम हो गया है। बेचारा बनर्जी कहाँ है समान है, मैं भी उसके बॉस को खरी खरी बातें सुनाकर आता हूँ। बॉस के कमरे में, देखे गुप्ता साहब, आप अपने ऑफिस के लोगों के साथ ठीक तरह से पेश नहीं आते, आज ही मुझे अपने मित्र बनर्जी बाबू से पता चला है कि आप रोजाना उसे तंग करते हैं। माना कि आप उसके बॉस हैं, पर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। बेचारे बनर्जी बाबू तो बहुत ही सीधे हैं, भला उन्हें आप क्यों तंग करते हैं? गुप्ता साहब, एक ऑफिस में बॉस की बजाय एक नेक इंसान बनकर अपने कर्मचारियों के साथ पेश आए तो सब आपकी जय जयकार करेंगे। देखिए मिस्टर, बड़ी देर से आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, अब आप चुपचाप यहाँ से उठकर बाहर चले जाइए, वरना मजबूरन मुझे चपरासी को बुलाना पड़ेगा। जाता हूँ जाता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, ये आपकी बॉसगिरी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। श्याम को, अरे सत्यानाश हो तेरा प्रोपकारी लाल। अरे बाबू मोसाई, क्या हुआ, तुम्हारा बॉस गुप्ता जी के पास क्यों गया था रे? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा बॉस तुम्हें बहुत परेशान करता है, इसलिए मैंने इसे खूब फटकारा। प्रोपकारी लोल, तूने मेरा जिंदगी तबाह कर दिया रे, मैंने तो इस रूट पर चलने वाली बॉस नंबर 640 का शिकायत किया था, जो कभी टाइम पर नहीं आया। तेरी बेवकूफी की वजह से आज मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। हाय बचाओ, इस बार गलती तुम्हारी थी दादा,
तुमने बस को बॉस क्यों बोला? हाय खोटी किस्मत, वाह आज मौसम कितना सुहावना है, दिल करता है कि ये बादल इसी तरह छाए रहे। तभी, अरे इस खूबसूरत मौसम में यह कौन मुंह छुपाए बैठा है? राजेश तुम क्या बात है, इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सुबह सुबह, अरे क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं चाचा जी, सुबह भगवान ने बिना मेरी किस्मत लिखे ही मुझे धरती पर धकेल दिया है। क्या बात है, आखिर कुछ तो बताओ, मैं तुम्हारी समस्या को हल करूंगा। बड़े दर्दनाक कहानी है मेरी। अभी पिछले महीने मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। ओह बड़े अफसोस की बात है, पिताजी की मृत्यु के 10 दिनों बाद ही मेरी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। वो बेचारा बड़ी जवानी में अकेला हो गया। पिछले हफ्ते मकान मालिक ने 6 महीने का किराया न देने के कारण घर से निकाल दिया। तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए भगवान? और मेरी खोटी किस्मत का खेल देखिए, कल से मेरे प्रकाशक ने मेरी कहानियां भी लेनी बंद कर दी। सच राजेश बेटा, तुम्हारी दर्द भरी दास्तान सुनकर तो मेरा दिल भी रोने को करता है। लेकिन बेटा तुम दिल छोटा न करो, तुम्हारा ऐसा चाचा परोपकारी लाल जरूर तुम्हें इन मुसीबतों से बाहर निकालेगा। कुछ दिनों बाद, राजेश बेटा तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। सच, मुझे एक बहुत ही अमीर घर की लड़की का पता चला है, उसे लेखक बहुत बहुत पसंद है। अगर तुम उसे शादी कर लो तो वह तुम्हें किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी दिलवा देगी। मुझे आपकी राय पसंद आई चाचा जी, अब आप मुझे उस लड़की का पता दीजिए, माँ जी शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा उसके पास 15 दिनों बाद। अरे राजेश क्या बात है, इतने बड़े घर में शादी करके भी तुम मुंह लटकाए बैठे हो? क्या शादी के बाद तुम्हारी बीवी ने कोई नौकरी नहीं दिलवाई? हाँ नौकरी दिलवाई है, अब मैं अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहता हूँ। वहां मुझे कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, खाना बनाने और झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई है। साथ में खाना, कपड़ा और सिर छुपाने के लिए जगह बिल्कुल मुफ्त। और यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ, इससे तो बेहतर मेरी पहले वाली जिंदगी थी। शिक्षा का असर, चाचा जी मैं रोजाना देखता हूँ कि आप दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, लेकिन आपको कभी भी भलाई के बदले भलाई नहीं मिली, ऐसा क्यों? टीटू बेटे यह तो दुनिया की रीत है, यहाँ भले लोगों के हिस्से में हमेशा बुराई, बदनामी और निराशा ही आती है। तो फिर आप दूसरों के साथ परोपकार क्यों करते हैं? मेरे दिल को अच्छा लगता है, शायद भगवान ने मुझे दूसरों का परोपकार करने के लिए ही भेजा है। अगर हर व्यक्ति दिन भर में एक भी अच्छा काम करे तो साल भर में 365 अच्छे काम कर सकता है। चाचा जी आपकी बातें सुनकर मेरा भी परोपकार करने को का मन करने लगा है। वाह, लेकिन मैं किसके साथ परोपकार करूं? मैं बताता हूं, वह देखो अपनी गली के बूढ़े रामलाल जी, रिटायर होने के बाद खेमचंद सुनार के यहाँ पार्ट टाइम हिसाब किताब का काम देखने जाते हैं। खेमचंद सुनार पैसे तो अच्छे देता है, लेकिन अगर रामलाल जी लेट हो जाए तो उन्हें बहुत भला बुरा कहता है। इसलिए मैं रोजाना अपने स्कूटर पर इन्हें खेमचंद सुनार की दुकान तक छोड़ आता हूँ। यदि तुम किसी तरह इन्हें दुकान तक समय पर पहुंचा दो तो रामलाल जी सेठ खेमचंद की गालियों से बच जाएंगे। वाह, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी जल्दी किसी का परोपकार कर सकूंगा। चल मोती, रामलाल जी को ठीक समय पर दुकान तक पहुंचाए। श्याम को, क्यों टीटू बेटे, तुमने रामलाल जी को ठीक समय पर दुकान तक पहुंचा दिया था? मैंने उन्हें समय से 5 मिनट पहले ही पहुंचा दिया था। वह कैसे? आपकी तरह मेरे पास स्कूटर तो था नहीं जिससे मैं रामलाल जी को समय पर दुकान तक छोड़ आता, इसलिए मैंने अपना कुत्ता मोती उसके पीछे छोड़ दिया था। इस तरह डर के मारे भागते भागते वे समय से पूर्व ही दुकान तक पहुंच गए थे। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।